हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज हम लोग जीएस पेपर वन प्लस हिस्ट्री, जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है हिस्ट्री को, उसके लिए भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण का पार्ट थ्री लेकर आए हैं। पार्ट वन और पार्ट टू हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट के तौर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हम लोग हिस्ट्री का जो भी पार्ट कर चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे, प्लस हम लोग आज आगे का पार्ट करेंगे। आज मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसके अलावा आप लोगों को कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ आपको जो भी पढ़ाऊंगी उसका पॉइंटर दूंगी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन दूंगी वो पूरा आपके प्री के साथ साथ आपके मेंस में भी काम आएगा। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, जिसको मैं वर्बली आपको समझा दूंगी, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंटर्स मैं दे दूंगी, जिसको आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक नई सीरीज करंट अफेयर्स MPPCS, जो स्पेशल स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो, प्लस में वन लाइनर GK, जो कि प्री के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो UPPCS हो या फिर MPPCS, उसके लिए हम तीन सीरीज और साथ में, इसके साथ आप लोग ये चिंता मत करिएगा, ये सीरीज जैसे चल रही है वैसे ही आपकी चलती रहेगी। और जो भी सीरीज मैं शुरू कराऊंगी आपको हर एक चीज़ की PDF प्रोवाइड करवाऊंगी, जैसे ही वो पार्ट कंप्लीट होता है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये इतिहास वैकल्पिक विषय का पार्ट थ्री मैं शुरू करने जा रही हूँ, इसका जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी PDF आपको हमारे सक्सेस मंच पेज या फिर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF के बारे में बिल्कुल मत फिक्र करिएगा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वन लाइनर GK हो, या फिर GS पेपर वन, पेपर फोर, हिस्ट्री और MPPSC, जो बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। कल मेंस का रिजल्ट भी आ चुका है, जो 2018 का मेंस हुआ था उसका रिजल्ट कल आया है। तो जिसका हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई है, जिसका नहीं हुआ है उसे भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, आगे बहुत सारे मौके हैं हमारे पास, जिसको हम लोग क्रैक करके ही रहेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को PDF ज़रूर मिलेगी, इसके लिए आप बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगी। बस आप हमारे सक्सेस मंच पेज को ज्वाइन कीजिए, आपको नोटिफिकेशन जब भी उस पर PDF होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है, एज वेल एज GS पेपर वन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लस जो भी आज मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगी वो प्री के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर आप लोग ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको बार बार देखते हैं तो आपको ये फैक्ट्स लर्न हो जाएंगे। हम लोगों ने इसे चार पार्ट में डिवाइड किया था, इतिहास लेखन की विशेषताएं, इतिहास के काल, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इसमें मैंने इतिहास लेखन की विशेषताएं बताई थी, फिर इतिहास के काल बताए थे। इस जो इतिहास के काल है और विशेषताएं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ज़रूर करेंगे आगे के पार्ट्स में। अब ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दो स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था कि इनमें क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में दो स्रोत होते हैं, एक होता है देशी साहित्य, एक होता है विदेशी साहित्य। देशी साहित्य जो देश में ही हमें प्राप्त होता है, देश के निवासियों द्वारा प्राप्त होता है। विदेशी साहित्य जो विदेशों से हमारे देश में घूमने आए हैं और उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसके द्वारा प्राप्त जो भी सोर्स होता है उसे साहित्यिक स्रोत, जो विदेशी रूप में कहा जा सकता है। देशी साहित्य में भी दो तरह के साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक विषयों से जुड़ा होता है, और धर्मेतर साहित्य होता है जैसे कि किसी की जीवनी हो गया, चरित हो गया, इस टाइप से धर्मेतर साहित्य होता है, या कोई बुक्स हो गई जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ये धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आएगा। इसकी भी वे पार्टीशन होगी जो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। आज हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं धर्म से रिलेटेड जो होते हैं, तो इसमें आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सूत्र, ये सारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो मैंने आपको पॉइंटर दे दिया, अगर आपको क्वेश्चन आएगा धार्मिक साहित्य के बारे में बताइए या देसी साहित्य के बारे में बताइए, तो आप लोग ये चीज़ें लिखेंगे
और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, जैसे वेद में भी चार वेद होते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। तो मैं वर्बली आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश यहाँ कर रही हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को जरा दो तीन बार देखिएगा ताकि ये आपको लर्न हो जाए चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ये वेद की, जो इसमें पहला पॉइंट धार्मिक साहित्य में दिया गया है। तो वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन वेदव्यास को माना जाता है, और वैदिक युग की संस्कृति की दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व होता है। आप लोग को पता ही वेदों की संख्या चार होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना होती है। विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में की थी जब वे अफगानिस्तान से लेकर गंगा जमुना के प्रदेशों तक फैले थे। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये प्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको साथ के साथ मेमोराइज करते जाइए, लर्न करते जाइए। तो मैंने बताया इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्रोतों से भरा हुआ है, स्तुति है इसमें ज़्यादातर। इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख करते हैं, जैसे कि एक स्थान पर कहा गया है 10 राजाओं का युद्ध, मतलब दशराज्ञ का वर्णन किया गया है जो कि बुक में लिखा हुआ है, जो भरत कबीले के राजा सुदास के साथ हुआ था। यह ऋग्वेदिक काल की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो वेदों के जो ऋग्वेद के अंदर वर्णित है। यह युद्ध आर्यों के दो प्रमुख जनों पुरु तथा भरत के बीच हुआ था। भरत जन का नेता था सुदास, जिसके पुरोहित थे वशिष्ठ। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था जिनके पुरोहित थे विश्वामित्र। तो ये आप चीज़ ये इन सब चीज़ों को फैक्ट याद रखिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें आप लर्न करिए और यही आपके प्री में आएगा। सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के इस संघ को परास्त कर दिया था और इस प्रकार ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक बना था। कौन बना था? सुदास। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, बाकी तीन वेदों की बात कर लेते हैं। ये अभी हमने ऋग्वेद के बारे में बताया। सामवेद तथा यजुर्वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। साम का क्या अर्थ होता है? गान। साम मतलब होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है साम में। इसे भारतीय संगीत का मूल या जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, किसमें? यजुर्वेद में। और बाकी जो वेद है वो पद्य में है, लेकिन यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कितने मंत्र हैं? कुल 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं, किसमें? अर्थवेद में। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन इसमें किया गया है, जो कि इस बात को बताता है कि इस समय आर्य और अनार्य संस्कृति जो थी उनका समन्वय हो रहा था तथा आर्यों ने अनार्यों के कई सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को ग्रहण कर लिया था। ये सब बताया गया है अर्थवेद के अंतर्गत। अर्थवेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का चित्रण भी किसमें मिलता है? अर्थवेद में। तो ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में वेद के अंदर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो इसके अंदर आप लिखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो वैदिक संहिता, मतलब कि ये जो चार वेद होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन दोनों को चारों को कंबाइन करके संहिता कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए थे। ब्राह्मण जो ग्रंथ है, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्रीय और शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश, अर्थवेद के लिए गौपथ आदि। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा इसी हिसाब से। इन ग्रंथों से ही हमें परीक्षित और उसके बाद बिंबसार के पूर्व की घटना का ज्ञान होता है, मतलब परीक्षित के बाद बिंबसार के पहले की जो घटना का ज्ञान होता है वो हमें ब्राह्मण ग्रंथ से होता है। ऐत्रेय, शतपथ, तैत्रीय, पंचविश आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं हम लोगों को, और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, मतलब पहले वेदों का भी सबसे पहले ऋग्वेद का आता है, उसके बाद इसमें ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। और इसमें कर्मकांडों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों के बारे में भी ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरण्यक और उपनिषद। ये अरण्यक जो उपनिषद दोनों होते हैं, इसमें भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। जो नीचे के दो पॉइंट्स हैं, अरण्यक और उपनिषद, इसमें भी ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि जो अरण्यक उपनिषद थे दोनों एक दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिसका मतलब सिर्फ इसका क्या अर्थ होता है, सिर्फ ज्ञान की खोज करना। इसमें बहुत ज़्यादा चरित्र के बारे में नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ ज्ञान के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि उस समय भारतीय समाज में लोगों का चिंतन स्तर क्या था, लोग किस विषय में किस स्तर तक सोच सकते थे, तो ये अरण्यक और उपनिषद में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदांग की। अब वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। इन 6 वेदांगों का नाम है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञ आदि करने में बहुत ज़्यादा सहायक थे। इसी प्रकार तो वेदांगों की रचना वेदों के वेद अंग, इसका मतलब वेदों के अंग के रूप में की गई थी। इसका संधि विच्छेद वेद प्लस अंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्य आप लोगों को पता है भारतीय जो संस्कृति है इसमें 2 महाकाव्य बताए गए हैं, रामायण और महाभारत। मूलतः इन ग्रंथों की रचना ईसापुर 4 शताब्दी में हुआ था। महाभारत और रामायण की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन इसका वर्तमान जो स्वरूप है, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, इसकी जो रचना है वो क्रमशः 2री और 4थी शताब्दी ईस्वी में लगभग निर्मित हुई थी। रामायण के बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारा आदि काव्य है। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी और इसमें हमें हिंदू, यवन और शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। किसका? हिंदू का, यवन का और शकों का, तीनों का रामायण में हमें मिलता है विवरण। इसमें यमन देश तथा शकों का नगर कुरु, मध्य देश और हिमालय के बीच की स्थिति को भी रामायण के अंदर बताया गया है। इसी तरह हम महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें भी शक, यवन, पारशिक, हुण आदि जो बहुत सारी जाति हैं उनका उल्लेख मिलता है। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का भी परिचय हम लोगों को प्राप्त होता है। परंतु हम लोग अगर बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों का बहुत अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें जो वर्णित कथाएं हैं, जो इसमें कहा गया है, बताया गया है, वो ज़्यादातर कल्पनाओं पर आधारित है, कल्पनाओं का मिश्रण है, इसलिए हम इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पुराण की। जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं, उसका सबसे अच्छा विवरण हमें पुराणों में मिलता है। और पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और पुराणों की संख्या आप लोगों को भी पता है, पुराणों की संख्या है 18 पुराणों की संख्या है। अधिकांश जो पुराण है इनकी रचना हुई है 3री से 4थी ईस्वी में की गई है, पुराणों की रचना ज़्यादातर। और सर्वप्रथम पारजीटर नामक विद्वान ने इनके ऐतिहासिक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। मतलब कि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किसने पुराणों की तरफ ध्यान आकर्षित किया, तो आंसर है इसका पारजीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य में सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण है उसमें त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण होता है। त्रिपिटक बुद्ध की जो मृत्यु होती है उनके बाद उनकी शिक्षाओं का जो संकलन किया गया वो 3 भाग में बांटा गया, इसे ही त्रिपिटक कहते हैं। और इन त्रिपिटकों के नाम मैं बता दूं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं बताई गई हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धर्म उपदेशों के बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी बौद्ध साहित्य में आता है वो आता है निकाय तथा जातक। इसके से भी हमें बहुत सारी ऐतिहासिक बातों की जानकारी प्राप्त होती है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ज्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है हम लोगों को।
त्रिपिटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये बौद्ध संघ, जो भी बौद्ध संघ थे उनके संगठनों का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। उस समय कैसी सामाजिक स्थिति, कैसी राजनीतिक स्थिति थी, कैसी धार्मिक स्थिति थी, ये त्रिपिटक हम लोगों को बताते हैं बौद्धों के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि दीपवंश और महावंश नामक दो पाली जो ग्रंथ हैं उससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सूचना मिलती है। ये भी बौद्ध ही ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। पाली भाषा का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि नागसेन ने लिखा है, इसका नाम है मिलिंदो पन्नो, मिलिंद प्रश्न जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें हिंद यवन शासक मिनेंडर के बारे में सूचना मिलती है जिसे नागसेन ने लिखा है। और भी संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, हीनयान और महायान दोनों से। जैसे कि हीनयान का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और उनकी और जीवन से संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसे ही महायान संप्रदाय का जो ग्रंथ है ललित विस्तार, दिव्य वदान आदि एक दो ग्रंथ है जो कि महायान संप्रदाय से संबंधित है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता माना गया है और उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके चमत्कारों का वर्णन किया गया है ललित विस्तार में। और दिव्य वदान में अशोक के उत्तराधिकारों से लेकर, जो अशोक के उत्तराधिकारी थे उनसे लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासन के विषय में काफी सारी सूचनाएं दी गई हैं दिव्य वदान में। तो ये बौद्ध साहित्य के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट मैं जैन साहित्य के बारे में आपको बताऊं। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, आगम का मीन्स होता है सिद्धांत। तो जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य ही जैसा था। जैन ग्रंथों में मैं नाम बता दूं कुछ, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये किस में है, जैन साहित्य में। इससे भी बहुत सारी भारतीय घटनाओं की, ऐतिहासिक घटनाओं की हमें सूचना प्राप्त होती है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, और जिसकी कल्प सूत्र की जो रचना हुई है वो लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व हुई है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और इसकी रचना, जो कल्प सूत्र की रचना की है, भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु चरित की से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और उनके कार्यों, उनके समकालीन के साथ उनके संबंध जो भी थे उसके बारे में हमें वर्णन प्राप्त होता है भगवती सूत्र में। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार और नियम का वर्णन होता है। आचरांग सूत्र जैसे कि नाम से ही विदित है, जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। जैन साहित्य में भी पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे चरित कहा जाता था पुराणों को। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे जाते थे। इसमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराण बहुत उल्लेखनीय है जैन साहित्य के अंतर्गत। ये पुराण है जो मेन है। जैन पुराणों का समय लगभग 6वीं शताब्दी से 16वीं से 17वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया है। अभी जब 16वीं 17वीं शताब्दी तक इन पुराणों की रचना की गई थी, तो मैंने ये बताया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सूत्र की। तो सूत्र जो थे वो वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञादि करने में सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते थे। सूत्र और वेदों साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए, मतलब वो खत्म ना हो जाए, इसके लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया था, मतलब इसकी रचना की गई थी। श्रौत, ग्रह और धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ में कैसे विधि विधानों का यूज होता है, कैसे कर्म कांड का यूज होता है, राजनीतिक विधि व्यवहार, बहुत सारी जानकारियां हमें इन सूत्रों से मिलती हैं। श्रौत सूत्र का नाम है, ग्रह सूत्र का नाम है, धर्म सूत्र का नाम है, और भी बहुत सारे सूत्र हैं। और हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक के संपूर्ण वैदिक काल जो समय है उसका काल है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। तो इसे हम सूत्रों का काल कहा जा सकता है, इसको हम वैदिक काल भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। और ये लगभग सामान्य तौर पे कई विद्वानों ने, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। तो आज मैंने इस पूरे टर्म जितने भी हैं यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन बताया।
आप लोगों को एक बार सुनने पे ही याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे लेखकों के नाम हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। तो इस वीडियो को करीब 2-3 बार आप लोग देखिएगा तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये वीडियो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई धार्मिक साहित्य से क्वेश्चन आता है इन जो भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं इनके ऊपर, तो इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं श्योरिटी से आपसे कहती हूँ। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। और अब मैं जो वन लाइनर क्वेश्चन ला रही हूँ, तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन भी उन्हीं में से बनेगा। और वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स में आए हैं, MPPSC, UPPSC, RPSC कहीं पे भी आए हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हो सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे कि उसके बाहर से एग्जामिनर को भी सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ से पूछूं। तो आप लोग बस इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आप तक वीडियो लाती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज मैंने काफ़ी आप लोगों का टाइम ले लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।